सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और साथियों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर अगर आज के टाइम में देखा है तो मतलब नाम कमाण खातर या मशहूर होने खातर मतलब कुछ भी गंद फैलाया जा रहा है। तो आज हमारे साथ में है समाज सेवी स्विता आर्य, तो इन तक बात करेंगे क्योंकि अगर इनकी अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि लगातार महिला की भी आवाज़ उठाई जा है, साथ में अगर कोई पुरुष दुखी है तो उनकी भी आवाज़ उठाई जा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से समाज गंदा कराया जाने लग रहा, जो गंद फैलाया जाने लग रहा, तो आज उस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से यह चीज़ रोक की जा, किस प्रकार से मतलब एक सभ्य ग्रह की महिलाएं भी लेकिन गंद फैलाने लग रही है। राम राम स्विता जी। राम राम। तो स्विता जी मतलब आप भी खूब देखती होगी, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहो और साथ मतलब समाज में जो मुद्दे है महिला है जड़ा महिला की आवाज दब गया है या फिर पिटण छेतण के मामले बहुत सारे छामी आवे है, आप लगातार जुड़े रहो हो। देखो ये तो पुराने जमाने से देखते आ रहे कि महिलाओं के साथ कुछ तो भेदभाव पहले होते ही थे, कोई ना कोई जैसे मारपीट देखो सही आदमी तो नहीं करता, लेकिन जो कोई नशा करता है या नशेड़ी व्यक्ति होता ना वही पत्नी के ऊपर हाथ उठाता, वैसे और तो आम सही सही आदमी तो नहीं उठाता हाथ, क्योंकि मियाँ बीबी की हो जाती है कुछ छोटी छोटी बातों पे। तो आज वो टाइम तो जा रहा कि जब महिलाएं पिटती थी। देखो सुविता जी एक चीज़ है, आप भी खूब सोशल मीडिया पर हो और देखो भी हो, मतलब एक तरफ अपने जैसे मैं हूँ, मान लो मैं मतलब किसी चीज़ में फंस रही हूँ तो मतलब एक तरफ की सुनकर है और दूसरे तरफ का पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो मैं तो मीडिया के माध्यम से भी और आपको भी ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप कभी भी एक तरफ ही चीज़ आप चलाते हो तो आप उसमें ये बोला करो कि भाई आप दूसरा पक्ष भी सामने आए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे सामने भी जब एक पक्ष आता है, मान लो कोई महिला आ गई वो आगे बताती मेरे ससुराल वाले मुझे दुखी करते हैं या कोई गलत आदमी मेरे कोई पुरुष जो मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है या कोई भी इस तरीके का मुद्दा, लेकिन जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आता तो हमने ऐसे लगता कि ये महिला तो बिल्कुल बेचारी है और इसके साथ तो बहुत बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं और इसका तो बेचारी का बहुत हो गया। लेकिन जब हम उस परिवार दूसरे पक्ष से जब हम मिलते हैं ना तब ये पता लगता है, क्योंकि कभी भी आज तक ना किसी महिला ने ना किसी पुरुष ने जब भी मेरे पास आए या आपके पास कोई आया होगा आपने देखा होगा कोई अपनी गलती नहीं बताता, हमेशा दूसरे व्यक्ति की गलती निकालते हैं। महिला कहेगी मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरे पति ने मेरे साथ अत्याचार किया या मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, और अगर आप किसी पुरुष का करने जाओगे तो वो ये कहेगा कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ये किया मेरी पत्नी ने। जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं आते तो हम एक पक्ष को जज नहीं कर सकते, दोनों पक्ष कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां दोनों पक्षों की होती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि कई बार एक पक्ष सामने आने से दूसरे पक्ष की बातें दब जाती हैं। रही बात सामने आने की, जब आपने भी देखा होगा आपके चैनल पे भी यार हमारे पास भी ये चीज़ें आई हैं, जब दूसरा पक्ष सामने आ गया तो वो चीज़ रखी गई हैं, लेकिन जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आता तो यही लगता है कि भी इसके साथ बहुत गलत हुआ है। तो हर जगह ये चीज़ें हैं चाहे वो महिला चाहे पुरुष है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति है जो अपनी बात कहीं सामने रखते भी हैं या कोई भी बात इस तरीके से सामने आके कहते हैं या थाने में जाके कहते हैं तो पुलिस वाले तो दोनों पक्षों को बुला लेते हैं, लेकिन कई बार मीडिया के सामने वो पक्ष नहीं आता, क्योंकि कुछ देखो चाहे महिला चाहे पुरुष जो इज्जतदार आदमी होगा तो वो अपनी कुछ बातें जो सोशल मीडिया के सामने लेके नहीं आएगा, वो सोशल मीडिया पे बातें अपनी नहीं रखेगा, तो वो देखो शिकायत एक दे देते हैं मियाँ बीबी की लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, तो बहुत कम व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जो सामने आए होंगे। अब ये मान लो कि पानीपत की जैसे मैं बात करूँ, हजारों महिला पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को कॉल किया होगा कि मेरी पत्नियाँ मुझे दुखी करती हैं, रोते भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ छोड़ के पत्नियाँ जा रही हैं या इस तरीके के बहुत से मामले सामने आए, लेकिन वो मैंने कभी भी उनको ये कहा कि आप मीडिया के सामने ये चीज़ बोल दो जाके, अगर पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करेगी तो मीडिया में सामने जाने के बाद आपकी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति कहते हैं कि जी हम मीडिया के सामने नहीं आ सकते। और आप किसी महिला को ये बात कह दो कि मीडिया के सामने आके अपने दुख रो दे, एक मिनट में रो देगी। तो ये चीज़ें बहुत ऐसी हैं कि जो सामने नहीं आ रही, जैसे मैं आपके ही चैनलों पे देखती हूँ क्योंकि मैं तो पूरे हरियाणा के चैनल देखती हूँ, तो मैं जब देखती हूँ चैनलों पे एक पक्ष आता है उसके बाद वो अपनी बातें रखता है काम ठीक है, फिर जब आप उस दूसरे पक्ष को दिखाते हो तो एक मिनट में पता लग जाता है गलती किसकी है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम समाज में दे क्या रहे हैं या हम समाज को बोल क्या रहे हैं, तो वो मायने रखता है कि दुखी तो कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। ऐसा भी मामला सामने आया था जींद का, एक मेरे पास फ़ोन आया कि बहन जी मेरी पत्नी जो है मुझे बेलन से मारती है, हाँ मेरे साथ मिली मैं थाने में जाऊँ मेरी सुनाई नहीं करते। मैंने कहा भाई कोई बात ना तू भेजू ना अपनी शिकायत भेजी, मैंने एसपी साहब से बात करी तो हो गया उसका समाधान उसकी तरफ से, क्यों भाई आदमी की तरफ से भी तो लो ना शिकायत, अकेले आप महिला की तरफ से लेते हो तो बहुत से, लेकिन वो मीडिया के सामने आके तो बेचारा अपनी बात नहीं रख सकता था ना कि मेरी पत्नी मुझे बेलन से पीटती है, उसकी पत्नी ने खुद दरखास्त दे रखी उसके खिलाफ मेरे को पीटता हाँ। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि भाई जो सामने
आती हैं, बाद में आती हैं, जो क्योंकि दूसरा पक्ष सामने नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि जो इज्जतदार आदमी होगा वो नहीं आएगा, जिसका इज्जत नहीं होगी तो भाई वो चाहे कितना जाएगा कुछ भी बोल लो। तो अपने जी मतलब मीडिया पाक यह चीज बोल लगी बेलन तो पीटा है, एक तो सोचा बेचारा मेरी बेइज्जती होगा, वो बेलन तो पीटा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो शर्म, वो कहते हैं देखो जिसका शर्म नहीं होता कि मैं भी बोल दो, कितना भी जाकर बोल दो, कार जिसकी उतरेगी लोही के रहेगा कोई, लेकिन जो इज्जतदार आदमी होता तो वो डरता, वो सोचता है कि भाई समाज में मैं सामने आऊंगा, पता लगेगा मेरे को, मेरा भी मेरे साथ ये हुआ ये, तो इसलिए सामने पुरुष बहुत कम आते हैं। अब कोई महिला किसी के ऊपर रेप के मुकदमे दर्ज करवा देती है झूठे, मान लिया मैं हर साल की बताऊं कि कभी मारे पानीपत में 100 केस हो गए, 150 केस हो गए, 200 केस हो गए, हर साल ऐसे होते आंकड़ा, उसमें से आधे 50% वो केस कैंसिल हो जाते हैं, झूठे पाए जाते हैं। उसमें उन 50 में से कितने पुरुष सामने आए जिन्होंने आके ये बोला मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया? बिल्कुल कोई नहीं आता, क्योंकि वो तो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगा, अगर आरोप को भी मैं सिद्ध करने के लिए सामने भी जाऊंगा तो ये चीज़ आएगी कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा, हो सकता है इसने इस महिला के साथ कुछ किया हो, तो इसलिए पुरुष सामने नहीं आते, बहुत कम आते, मतलब महिलाएं ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा सोशल मीडिया पे भी, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, एक पुरुष है उसकी पत्नी ने इतना प्रताड़ित कर रखा था, अब वो ये कह रहा था कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तो वो हाँ मैं ट्विटर पे वो देखा था मैंने वो न्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो बेचारे आत्महत्या ही कर लेते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते। अच्छा सविता जी देखो एक चीज और है आज के टाइम में, मतलब आप देखोगे कि मतलब फूहड़ता इतनी फैल रही है सोशल मीडिया पर के पूछो मत ना। फूटता था, आप देख लो, मैं एक महिला है आपके जींद साइड की है, कहाँ की है मुझे नहीं पता, मैं उसकी वीडियो देखती थी पहले यूट्यूब पे, बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले, कई बार सामने आ जाती थी, तो अच्छी थी वो, कॉमेडी वीडियो बनाती थी डालती थी, लेकिन अब उसने सबसे ज़्यादा गंद जो है इंस्टाग्राम पर उसने मचा रखा है, मतलब ऐसी ऐसी बातें, मतलब कुर्ता निकाल के अंडर शर्ट होती है जो अंदर की वो डाल के, और इस तरीके से बैठ के वो वीडियो बनाती है कि लोगों की नज़र मेरे ऊपर जाए, और इस तरीके की वो बातें करती है, जैसे मान ले कहीं उसमें बोल रखा कि डॉक्टर का गई थी, आई लव यू मैं बताई, जल्दी जल्दी आइयो, आई लव यू बोलियो और मैं ठीक हो जाएंगी, या कह रही कि यार उन पर जाना कौन कौन साथ चलेंगे, अरे भाई तू इतनी मतलब उसकी शक्ल देख लेना, वह इसी है जब को आदमी एक ढंग का लंबा ठड आदमी फूक मार देना उसका न उठ जाए, मतलब हाँ मतलब ऐसी है, और बात ऐसी ऐसी कर रहा है, मतलब सपने ऐसे ऐसे ले रही है, अब भाई उन्हें बताओ फिर कहेगी जड्डे में कि, मतलब ऐसी वाहियात की बातें कर रही है ना, तो एक आध पुरुष दिखता उसका पति या कूणा मन तबेरा नहीं हो, साथ में एक बच्चा दिखता है एक लड़की सी, अरे तू अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने, कोई भी तेरा बॉयफ्रेंड हो, हमने के बेरा कूणा जो भी है उसके सामने आकर तू इस तरीके से कपड़े निकाल के और तू इस तरीके की वीडियो बना रही है, तो समाज में संदेश क्या देना चाह रही है? इसका मतलब तो ये प्रसिद्ध होने के लिए कोई कुछ भी करेगा, प्रसिद्ध होने के लिए ही तो ये वही मान लें, मैंने सोचूं मैंने लाखों आदमी देखे या मैंने करोड़, हमने तो सोची ही नहीं कभी, मैं चाहूँ तो हमारी आने के सभी पत्रकारों को आकर कह सकूँ भाई आओ मेरे मिनटू ले लो, कौन मना कर देगा, हमने हजारों लड़कियों का हमने भला कर लिया होगा, हमने हजारों पुरुषों का भी कर लिया होगा, हमने आदमी कहा हम छोटी छोटी बात को मीडिया में ले जाने लग गए, तो न्यू इसका मतलब प्रसिद्ध होने खातर कुछ है कोई, ठीक है कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो बताने के होते हैं, जब हमारी कहीं कहीं सुनाई नहीं होती तो हम मीडिया में आके वो चीज़ रखते हैं कि भाई हमारे यहाँ से रास्ते बंद हो गए तो हम वो चीज़ मीडिया में रखें, अपने लिए नहीं दूसरे किसी की भलाई हो जाए, नहीं तो कोशिश यही रहती है कि भाई हम ये चीज़ मीडिया में ना दें, क्योंकि किसी की परिवार की बात होती है, किसी की पत्नी की होती है, किसी के पति की, किसी के ससुराल की, तो हम क्यों चाहेंगे किसी का परिवार उस मामले में सामने आए, तो हम तो नहीं चाहते, अगर हम न्यू चाहन लगा, अगर मैं न्यू सोचूं भाई मैं न दुनिया पर जानेगी या मैं प्रसिद्ध होंगी तो मैं हर रोज़ मेरे पास चार चार पांच पांच ऐसे फ़ोन आते होंगे जो उस परिवार हो गए तो मैं उन ओपन करने लग जाएंगी, अगर भाई तू तो प्रसिद्ध होगी इस तरह एक मिनट ना आपने बेरा है वो इस तरीके की कोई चीज़ दिखा दो एक मिनट में प्रसिद्ध हो जाएगा आदमी, बिल्कुल इसी चीज़ देखना भी पसंद, हाँ, पसंद भी करते हैं लोग देखना, तो लेकिन हम ये थोड़ा कि हम अपने ही उसके लिए प्रसिद्ध होने के लिए हम किसी दूसरे परिवार को नहीं उछाड़ सकते, दूसरे परिवार की कभी भी आज तक कार्यकाल है मेरा, मैंने इतने मुकदमे मतलब वो बेचारे गए वो भले करे होंगे, आज तक कार्यकार्ड है मैंने अपने मुँह से किसी लड़की का नाम नहीं लिया, किसी लड़के का नाम नहीं लिया, उसके परिवार की पहचान नहीं बताई, उसके गांव की पहचान नहीं बताई, मैंने इतने मतलब भले करे होंगे, मैंने आज तक कभी किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करे, ना मैंने इसमें इसके भी सामने करा कैमरे के, ना ऑफ कैमरा किसी की बात किसी से शेयर करी, क्योंकि को आदमी विश्वास सब करता है, अगर मान ले मैं आपने मेरे तक कोई अपनी बात बता दी या मैंने आप अपनी बात बता दी, अगर हम तीसरे आदमी को उसकी बातें बताएंगे तो इसका मतलब कौन मेरे पर विश्वास करेगा, मेरा रिकॉर्ड आज तक मैंने अपन किसी के बाद दूसरे आदमी तक किसी की बात शेयर नहीं करी। तो देखो आज के टाइम में ये हो रहा है कि फेमस होने खातर कुछ भी, मैं कहने लग रही एक और थी, अब एक वो कोई बुढ़िया थी
और वह बेचारी उसने बुढ़िया भी के ठीक होगी, मेरे ख्याल में 45-50 साल उम्र होगी उसकी, और उसने वो डाल रखा था कि देखो वीडियो बनाने का उनका अपना तरीका हो, किस तरीके से बना रही। उसने लिख रखा था भाई मैं मेरे तक कोई मैसेज मैसेज मत करियो, मैं तो फेमस होने खातर इस पा आई, फ्यूचर बनाने खातर इस पा आई। उसकी वीडियो ठाठा कर लोग मतलब उस पर डाल रहे हैं, फिर मैंने आज उसकी फिर देखी, आज इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही है एक महिला को, तने मेरी वीडियो क्यों उठाई, तने मेरा ये क्यों करे। तो एक सोशल मीडिया की इसी चीज़ बना दी कि किसी का भी, जब किसी पर कोई मुद्दा नहीं ना, तो वो क्या करते हैं कि अपने ही उसका एक कमेंट उठाया और वो चीज़ बोल दी, एक मिनट में होगी। तो हमने ये चीज़ देखी है कि भाई चलान खातर तो कोई कुछ भी करे, अगर मान लें मैं बता ना रही, मेरे तो इतने मुद्दे हैं, अगर मैं सुबह तक शाम तक भी लगी रहूँ ना ब्लॉग बनाने या कुछ भी बनाने, खत्म नहीं होगा। तो भाई देखो प्रसिद्ध होने के लिए, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज भी हो ना जिससे प्रसिद्ध हो, हम अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध हो, हम जरूरी थोड़ा कि अपना नंगा नाच करके हम प्रसिद्ध होंगे। एक भाई ने, मैं तो कई बार हंसा करूँ देख देख कर वीडियो, एक भाई ने कह रखा कि महिला तो चाहे चार ढूंढे मार लो, जब भी इनके लाइक और फॉलोअर आ जाएंगे। फिर उसने आगे बोला बोला रसोई में जाएंगे और उसका पोछा मारेंगे, कपड़ा ना चढ़ाना आंदा जिसने, बोला उस पर गैस पर पोछा मारेंगी, बोला वह भी प्रसिद्ध हो जाएगी, दो रोटी धर के ससुरे देने जाएंगी, बोला जब भी प्रसिद्ध हो जाएंगी। और बोला उसके बाद ना उन्होंने उनकी जो ये वीडियो है ना उसका पति बना हुआ है। मैं कहा भाई मत हंस के कहूँ थी, मैं कहा देखो देख पतिया ना अपनी बहुआ की इतनी आज़ादी दे, इतनी आज़ादी दे रहा कि मैं प्रसिद्ध हूँ ना, मैं कैमरे के पीछे रहूँगा, मैं प्रसिद्ध हूँ ना हूँ, पर मैं अपनी बहू ने प्रसिद्ध पक्का करूँगा। तो देखो सोच बदली है कहीं ना कहीं, देखो अच्छा वही जो पुरुष उसकी महिला कुछ गलत कर रही है, वीडियो बना रही है, वो उसकी वीडियो बना रहा है, वह गंदा कर रही है कुछ भी वीडियो बना के अपना शरीर दिखा रही है, कुछ दिखा रही है, तो इसका मतलब वो उसका पैरा नहीं हो सकता। वो अपनी महिला को जो सरेआम नंगी दिखा रहा है तो वो उसका पैरा नहीं हो सकता ना, वो उसकी इज्जत करता। जो अपनी कहते थे कि महिलाएं को देखो पर्दे में अच्छी लगती है, पर्दे का मतलब ये नहीं कि ये पर्दे का मतलब है कि हमारा शरीर कौन सी चीज़ हमारे शरीर का वो दिखे, कौन सी चीज़ हमारा अंग दिखना चाहिए, कौन सा अंग नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जो पति, क्योंकि पुरुष ही बनाते होंगे उनकी वीडियो, वो पुरुष बना रहा है, मेरे को तो ये हो रहा है कि वो देख भी कैसे रहा है कैमरे में जिस चीज़ को दुनिया देखेगी। तो ये प्रसिद्ध होने के लिए मैं तो महिलाओं से निवेदन करना चाहूँ भैया अपनी मान मर्यादा को ना खो, और अपने इतनी फेमस होने के लिए इतना गंद भी ना मचाओ। रही बात पुरुषों की, कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जो पुरुष भी गंदा बोलते, गालियाँ देते, इस तरीके के गंदे वीडियो बनाते हैं, सब तरह के लोग हम महिला भी ऐसी हैं, पुरुष भी ऐसे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई कोई फेमस होने के लिए इतना कुछ ना करो, अगर जिससे आपके आप किसी के पास बैठ ना सको, आप किसी की ब्याह शादी में जा रहे हो, एक तो जाकर नहीं होगा भाई ये वीडियो बनाता है इतना अच्छा आदमी बाज के उसके साथ सेल्फी लेंगे या और कुछ करेंगे, रेख इस तरह गंदी वीडियो बनाओगे नहीं हो सकेंगे, मेरी गेला फोटो ना करवाइए, मैं तेरी गेला फोटो ना करवाऊँ, बचेंगे वो उस चीज़ तक। तो ये चीज़ें बस फेमस होने की, और तो कुछ नहीं। बिल्कुल, मतलब है ना ये चीज़ हो रही है समाज में लगातार चलती आ ना रही है, अभी कुछ फेमस होना है तो मतलब कुछ भी करो उस पर, कुछ भी दिखाओ, लेकिन कहीं ना कहीं तो उस चीज़ तो मतलब समाज में भी एक गलत मैसेज जाना आ गया। समाज में तो यही जा रहा है ना, जैसे मान लिया अपने गांव में है, गांव के व्यक्ति तो उस चीज़ को देखते हैं, अगर मान लिया कोई अच्छी वीडियो बनाई, देखो टोका टाकी तो सभी करते हैं, अगर सही भी कोई बनाएगा लोग गाँव के तो उसमें भी टोक देते हैं, आपकी बहू या आपकी बेटी सोशल मीडिया पर है वीडियो बनाती ये करती, लेकिन अगर आप कोई अच्छी चीज़ दिखाओगे तो दो दिन बोलेंगे, तीसरे दिन वो खुद कहेंगे भाई संदेश तो अच्छा दे रही, काम तो ये अच्छा कर रही है, पर मतलब तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे दिखा रहे हैं, हम अपने तन को कैसे उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वे न्यू तो फिर वाले उसमें चले जाओ भाई कि तो फिल्म बना लो जाकर ही, ज़्यादातर तो देखो गंद मचा दिया इन्होंने ही भाई, मान लिया फिल्म आकार है वो नंगे वो चीज़ें, और हमारे टाइम में तो भाई हम छोटे छोटे थे ना, जब हमारे टीवी आया था, हमने तो जब वो चीज़ देखी थी कि जब वो एडवर्टाइजमेंट भी कोई गलत आ जाया करती ना, क्योंकि गांव में घने आदमी देखना आ जाया करते जब किसी का नया टीवी आया करता, तो हम तो यूँ कराया करते कि हम तो भीतर दूसरे कमरे में चले जाया करते, चाहे कुछ ठान बांधने थे, चाहे पानी पियाऊँ, ये कहने खातर ये हम अंदर दूसरे कमरे में चले जाते। हमने तो वो चीज़ें आज भी नहीं देख पाते दूसरे के सामने, ये पता नहीं ये कर कैसे सकते, हम देख नहीं सकते उस चीज़ को। और देखो अच्छा काम करोगे तो मतलब कहीं ना कहीं चलो उस गांव की बेटी है या बहू है उस चीज़ की, तो दो दिन पीछे कहेंगे हमारे गांव की बेटी है कुछ अच्छा काम कर रही मैं है। वही तो कर, जैसे आप मीडिया में हो, आप कहीं कोई वीडियो बनाते हो, आप भी कोई शब्द बोलोगे तो वो सोच समझ के बोलते हो अगले से कैसे बोला जाएगा। इब आपके सामने कोई लिव इन वाले रिलेशनशिप वाले कोई आगे दो, आप उनसे जो क्वेश्चन करोगे ना आप भी सब बेहतर तरीके से उनसे करते हो कि ये जवाब भी सब बेहतर तरीके से दो, और आप उनसे वही आद के सवाल पूछने लगोगे तो देखने वाला क्या करेगा, या बड़ी एंकर है भैया तो देख किस तरीके के सवाल पूछ रही है। तो वो चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से उसको दर्शाएं। अब आपकी चार आदमी इज्जत करेंगे, अगर आप उल्टे वही याद के अगर आप सवाल पूछोगे वही याद की बातें उनमें तो निकाल का आओगे, तो सोचेंगे क्यों हम ना दे भाई इंटरव्यू तो क्यों पूछ ले, तो वो चीज़ें फ़र्क होता है। देखो मतलब एक है ना पहला गाँव में क्या था कि मतलब लुगाई आपस में लड़ाया करती, आपस में
चुंडे पट्टम पट हो रहे, वो काम सोशल मीडिया पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर मैं बताने लग रही ना, आज मान लिया मैंने किसी के बारे में दोस्त, जैसे मैंने इस मैंने एक दो के बारे में बोल दिया, चाहे बिना नाम लिए बोले, तो वो क्या करते हैं उनको पता लग जाता थारे को बोल रखा था, अगले दिन वही लाइव आने को बोलेंगे इसने मेरे बारे में नहीं बोला, फिर वो तीसरा बोल लगा उन्हें मेरे बारे में नहीं बोला। तो इन क्योंकि कुछ को तो ये चाहिए भाई वो बानना चाहिए, अको नाम लेके जानबूझ के बोलते हैं, अगर हम उसका नाम लेके ये चीज़ बोलेंगे तो अगले दिन फिर मरता उल्टा जवाब देगा। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि भी नाम लेकर किसी का नहीं बोलना चाहिए। मैं तो एक बार जिंदगी में किसी का नाम लेकर कुछ बोल ली थी सोशल मीडिया पर, किसान आंदोलन की बात है, मैंने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी, मेरे लाइव लाइव आकर बोली थी मैं, मेरे लाइव लोगों ने उठा उठा कर चलाए थे, बहुत चैनलों ने चलाया, आखिर में मैंने तो मी करना पड़ा, तो आज भी पढ़ा होगा मेरे दूर, और मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है मैंने किसी का नाम लेके ये चीज़ें बोल ली, और मैंने अपनी वो पहली और आखिरी गलती थी शायद, उसके बाद मैं जिंदगी में किसी का नाम नहीं लूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये लगा था कि मैं गलत बोली किसी का नाम लेके। हमने अपना किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे को कोई अधिकार नहीं कोई क्या कर रहा है, हम उसको सलाह दे सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं, अगर मानना तो ठीक है, ना मानना मत मानो भाई, बिल्कुल। तो ये चीज़ें